मित्रों आप सबों को जय यीशु। आज हम नए साल की शुरुआत कर रहे हैं और माता कलीसिया नए साल की शुरुआत ईश माता मरियम के पर्व के साथ करती है। यूं तो माता मरियम ईश्वर के द्वारा कई प्रकार की कृपाओं से परिपूर्ण थी, भरपूर थी, लेकिन ईश्वर की मां बनना उन सब कृपाओं में सर्वश्रेष्ठ है। माँ मरियम के एक बार हाँ कहने पर वह प्रभु यीशु की माँ बन गई। जैसे ही उन्होंने कहा गैब्रियल स्वर्गदूत से कि आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, उसी क्षण ईश्वर का शब्द उनके गर्भ में देह धारण करता है और वह उस दिव्य शब्द की माँ बन जाती है, वह ईश्वर की माँ बन जाती है। संत यूहन्न के सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द स्वयं ईश्वर था और उसी शब्द के द्वारा संपूर्ण संसार की सृष्टि हुई। अध्याय 1 वाक्य 14 में आगे हम पढ़ते हैं, उसी शब्द ने शरीर धारण किया और वह हमारे बीच रहा। वचन कहता है, समय पूरा होने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह संहिता के अधीन रहा ताकि संहिता के अधीन रहने वालों को वह बचा सके, उनका उद्धार कर सके, और इस प्रकार हम उनके दत्तक पुत्र पुत्रियां बन गए। यानी प्रभु यीशु वही ईश्वर हैं जो अनादि काल से, जो प्रारंभ से पिता के साथ विद्यमान हैं, और वही ईश्वर जो अदृश्य था, जिसे मनुष्य देख नहीं सकते थे, जिसे मनुष्य स्पर्श नहीं कर सकते थे, वही ईश्वर अपने आप को एक मनुष्य बनाकर इस दुनिया में आते हैं। वे स्वयं शरीर धारण करते हैं और उनको शरीर धारण करने के लिए एक नारी की, एक स्त्री के गर्भ की ज़रूरत थी और परमपिता ईश्वर ने मरियम को इस महान कार्य के लिए चुन लिया और मरियम ने ईश्वर के इस न्योते को स्वीकार किया। उन्होंने ईश्वर ने जो कहा था उस पर विश्वास किया और ईश्वर के वचन को अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने गर्भ में धारण करने के लिए वह राजी हो गई, तैयार हो गई और उस क्षण से वह दिव्य शब्द शरीर धारण कर हमारी मुक्ति के लिए इस दुनिया में आया। इसलिए मरियम की भूमिका हमारी मुक्ति में बहुत ही अहम है। यूं तो माँ मरियम को ईश्वर की माता कलीसिया प्रारंभ से ही मानती आ रही है, लेकिन इस पर्व की आधिकारिक घोषणा या इस शीर्षक की आधिकारिक घोषणा एफेसुस की महासभा में सन 431 में की गई थी। इसके पीछे कारण यह है कि 5वीं और 4वीं शताब्दी में कलीसिया में कुछ भ्रांत धारणाओं का प्रचलन हो रहा था, कुछ लोग गलत शिक्षा दे रहे थे, उनमें नेस्टोरियस और आरियस प्रमुख थे। आरियस का मानना था कि प्रभु यीशु में कोई दिव्यता नहीं है, वे सिर्फ एक मनुष्य हैं, वे ईश्वर की एक सृष्टि मात्र हैं, और एक ऐसा समय था जब यीशु का कोई अस्तित्व नहीं था। फिर ईश्वर ने अपने से बाहर के किसी एक तत्व से उनकी रचना की, उनकी सृष्टि की, और कलीसिया ने 325 ईस्वी में नाइसिया की महासभा में इस बात का खंडन किया, इस शिक्षा का खंडन किया और यह प्रतिपादित किया कि प्रभु यीशु ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर हैं, वह उत्पन्न हुए हैं, वे बनाए हुए नहीं हैं। और कलीसिया की इसी शिक्षा को कैथोलिक कलीसिया में हर रविवार को और बड़े पर्वों के दिन सब विश्वासीगण घोषित करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ईश्वर हैं और हालांकि माता मरियम ने उस ईश्वर को जन्म दिया, इसलिए वे ईश्वर की मां बनी। वैसे ही नेस्टोरियस का मानना था
कि प्रभु यीशु में दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं, एक मानवीय व्यक्तित्व, दूसरा ईश्वरीय व्यक्तित्व। और उनका मानना था कि मरियम ने जिसे जन्म दिया वह मानवीय यीशु थे। दिव्यता बाद में उनके ऊपर अवतरित हुई, इसलिए मरियम मानवीय यीशु की माँ है, ईश्वरीय यीशु की माँ नहीं। 441 ईस्वी में एफेसुस की महासभा में कलिसिया ने इस गलत धारणा का, इस गलत शिक्षा का भी खंडन किया और यह बतलाया कि प्रभु यीशु वास्तव में ईश्वर हैं और वास्तव में मनुष्य हैं। वे पूरी तरह से ईश्वर हैं और पूरी तरह से मनुष्य हैं। माता मरियम के गर्भ में ईश्वर ने प्रवेश किया और माता मरियम के गर्भ में जब प्रभु यीशु आते हैं उस समय उनके दिव्य स्वभाव के साथ एक और मानवीय स्वभाव आ जाता है। और यहाँ पर ईश्वर एवं मानवीय स्वभाव का एक परिपूर्ण समावेश होता है जिसे हम अलग करके नहीं देख सकते। इसलिए कलीसिया यह विश्वास करती, ये मानती है कि माता मरियम ने एक सच्चे ईश्वर व सच्चे मनुष्य को जन्म दिया और वह ईश्वर की माता है। आज हम उसी माँ का पर्व मनाते हैं जिन्होंने मुक्तिदाता को जन्म देकर हमारी मुक्ति के लिए एक महान कार्य किया, एक महान भागीदारी निभाई। आज के सुसमाचार पाठ में हम पढ़ते हैं कि माता मरियम ईश्वर के वचन को, उन सारी रहस्यपूर्ण बातों को जो उन पर प्रकट की गई थी, अपने मन में रखती हैं और उन पर मनन चिंतन करती रहती हैं। क्यों माता मरियम इस महान कार्य करने के काबिल बनी? वो यही है कि वे ईश्वर के वचन को ग्रहण करती हैं, मनन चिंतन करती है और उसे समझने के बाद अपने जीवन पर वो लागू करती हैं। आज माता मरियम हमारे लिए एक आदर्श पेश करती हैं कि हमें भी हमारे जीवन में ईश्वर की वाणी को सुनना है, स्वीकार करना है, मनन चिंतन करना है, तभी वह वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। और जिस प्रकार से माता मरियम ईश्वर की माँ बनी, जो योजना ईश्वर की माता मरियम के जीवन के लिए थी उसको माँ मरियम ने पूरा किया, वैसे हम भी यदि ईश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो ईश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य करेगा और जिस उद्देश्य को लेकर, जिस योजना को लेकर ईश्वर ने हमें बनाया है और इस दुनिया में भेजा है, जो उद्देश्य उनका हमारे जीवन के लिए लेकर है, वह उद्देश्य हमारे जीवन में पूर्ण होगा। आइए यह पूरा साल हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हम माँ मरियम की तरह उनकी योजनाओं को सुनें, समझें, मनन चिंतन करें और उनके वचन को हमारे जीवन में कार्य करने दें। हम माता मरियम की तरह कह सकें कि हम प्रभु के दास या हम प्रभु की दासियां हैं और ईश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए, उनकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए, जो योजना उन्होंने हमारे लिए बनाई है वो हमारे जीवन में परिपूर्ण हो जाए। आमीन।